हेलो एवरीवन, सो गाइस आज वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ महाराष्ट्र नीट यूजी का एक्सपेक्टेड कटा 2024 के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है जो डिमांड किया गया था 2023 के जो है परसेंटाइल के बारे में डिमांड किया गया था, और नीट जो है 2033 के कट ऑफ मार्क्स के बारे में जो है किया गया था। तो यहाँ पे नीट पीजी जो है एक्सपेक्टेड में बात करूँगा जो 2024 के लिए, तो यहाँ पे कितना तक जा सकता है। तो इसमें गाइस जो है आप फाइव, जैसे कि जनरल के में बात करूँ तो इसका जो है परसेंटाइल जो है बनेगा 50%। तो यहाँ पे जो कट ऑफ इसका जा सकता है, इस बार जो स्टूडेंट ज़्यादा है तो इसके जो है 137 प्लस है, 720 से 137 प्लस है, तो आप जो है 135 इसको ले चलिएगा, क्योंकि 2 मार्क्स आपको इसमें से डिक्रीज कर दीजिएगा। अब फिर हम एस सी एस टी ओ बी सी की बात करें तो इसमें यहाँ पे 40% बनता है, तो यहाँ पे 136 से लेके 107 है, तो यहाँ पे 105 तक इसका जा सकता है, और इसमें 2% आप कम कर देना। जनरल पी डब्ल्यू डी के लिए 45% बनता है, तो इसका 136 से 121 के प्लस जाएगा, इसमें भी 119 इसका हो जाएगा, इसमें भी 2 मार्क्स आप जो है आप 2 स्कोर आपको कम करना है। एस सी ओ बी सी पी डब्ल्यू डी के लिए 40% रहेगा, तो 120 से 105 तक इसका जाएगा। एस टी पी डब्ल्यू डी का 40% बनता है, तो इसका 120 से 108 तक जा सकता है। तो यहाँ पे कई दिन से जो है महाराष्ट्र नीट यूजी के जो है अब पूछा जा रहा था कि इसका कितना तक मिन कट ऑफ जो है जा सकता है, तो इसके जो है एक्सपेक्टेड में इसका कट ऑफ यहाँ तक जा सकता है। तो जो भी परसेंटेज प्रीवियस ईयर का आप देख रहे हैं, तो इसमें से आप जो है 2 से लेके 5 मार्क्स तक आप इसको डिक्रीज कर दीजिएगा, फिर आफ्टर दैट आपकी परसेंटेज इसी के आसपास जो है और बन जाएगी। तो सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट नए टिप्स के साथ। थैंक यू सो मच।